हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR एंड सुपरस्टार BSR पे। दोस्तों आप सभी इस चैनल को काफी दिनों से बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। ये प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें एंड आई अश्योर यू आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट इस चैनल के थ्रू मिलता जाएगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जिंदगी भर मेहनत करे लेकिन उसके बाद भी वो सफल ना हो पाए? क्या ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है? एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में, सेम डेट पे, सेम टाइम पे कई बच्चे पैदा होते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चा बहुत आगे निकल जाता है और बिल गेट्स बन जाता है और उसी समय पे पैदा हुआ दूसरा बच्चा बिल गेट्स नहीं बनता है? क्या आपके माइंड में ये सवाल आया है? क्या आपके माइंड में ये सवाल आया है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा लकी क्यों हो जाता है और कोई इंसान सब कुछ करने के बाद भी लकी क्यों नहीं हो जाता है? कोई इंसान जिंदगी भर भगवान की पूजा करता रहे फिर भी उसकी ज़िंदगी में फल नहीं मिलता और कोई इंसान एक बार मंदिर गए और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है? कोई इंसान न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ नंबरों में चेंज करके अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लेता है और कुछ कुछ इंसान सारे चेंजेस कर लेने हैं और ठीक से अप्लाई करने के बाद भी बहुत कुछ नहीं कर पाते? ऐसा क्यों है दोस्तों? सेम डेट पे पैदा होने वाले, सेम टाइम पे पैदा होने वाले, सेम ग्रह नक्षत्र वाले लोगों के भी भाग्य में अलग अलग चीजें क्यों हैं? क्या आपके ऐसे क्वेश्चन है? अगर आपके ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं आप सभी को मिलवाने के लिए आचार्य लव भूषण जी से। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ग्रेट सर। आचार्य लव भूषण जी बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही स्माइलिंग फेस वाले हैं, बहुत ही एनर्जेटिक इंसानों में से एक हैं और सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे जब से उन्हें मिलने का मौका मिला तब से मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड मुझे लगा उन्हें इस शो में ज़रूर इन्वाइट करना चाहिए। तो आचार्य जी आपका स्वागत है एंड थैंक यू सो मच आपने मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया और आज आप ऑल द वे जयपुर से हमारे इस स्टूडियो में पधारे। मुंबई में ये इस समय प्रोग्राम चल रहा है। सर मैं पहले तो पूछना चाहूँगा आपकी जर्नी कैसी रही और आज आप इतने सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कई सेलिब्रिटीज़ वगैरह का एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो कैसा फील होता है और क्या आपने पहले सोचा था कि यही आपका करियर पाथ होगा? सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र सिंह जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट समय हम पहले हम मिले और आपने मुझे आज यहाँ इन्वाइट किया और मैं अपने आप को भी बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं जर्नी की बात बताना चाहूँगा कि मैं बाई कास्ट पंडित नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ, शर्मा नहीं हूँ। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक मंदिर में बैठा हुआ ये पंडित हमें ध्यान में आता है। यहाँ पे मैं 90% जब आपने बोला था कि मैं आचार्य लव भूषण जी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ तो 90% लोगों के चेहरे में ये था कि अगला आधा घंटा हो सकता है कि बोरिंग होने वाला हो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो हमारे दिमाग में जो मिथ है ना वो ऐसा ही है कि जैसे आप किसी के पास जाएंगे तो सामने वाला बोलेगा तेरा शनि खराब है तो 1,00,000 रुपये दे या कुछ भी दे, वो कहता कुछ भी नहीं है तो तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा। तो जनरली ऐसी मिथ हमने ये मार्केट में सुनी हुई है और 90% लोग या 95% लोग इसलिए भी इनके पास नहीं जाते कि उनको लगता है कि सामने वाला एस्ट्रोलॉजर या पंडित ऐसा कुछ बोल देगा कि हमें नेगेटिव कर देगा। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, ये कुछ चमत्कार नहीं है। मैं आपको आज आपके बारे में एक चार्ट हम लेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो एक चार्ट हम लेंगे, बिल्कुल एक प्रॉपर साइंस है, इसमें कोई भी चमत्कार नहीं है। जबकि भारत में इसको एक चमत्कार के रूप में दिखाया गया है, बड़े बाबा बन गए हैं या कुछ बन गए हैं, ऐसी कुछ मालाएं पहन ली गई हैं या कुछ भी मान लीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक आप बीमार होता है व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, सेम वैसे ही एस्ट्रोलॉजर एक साइंस है और उसको साइंस के रूप में लेना चाहिए और ये साइंस के रूप में ही काम करती है। क्या बात है। तो आचार्य ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको एक समय पे कैंसर हो गया था। हाँ सर। एक समय पे आप बहुत अच्छा व्यापार करते थे और 17-18 करोड़ का उसमें लॉस हो गया था। तो क्या उसके पहले आप एस्ट्रोलॉजर थे या उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर बने? मैं भी उससे पहले बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करता था। मैं उससे पहले एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में एज ए स्टेट हेड काम करता था। उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंट में आगे कंपनी छोड़ी, अपना काम शुरू किया, सडनली वो काम बहुत डाउन हो गया। उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल रोड पर आ गया, घर दुकान मकान गाड़ी वाड़ी सब बिक गया, कैंसर भी हो गया। मैं मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट रहा, मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। सडनली मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला, उसने मेरे बारे में कुछ बातें बताई
और मैं सुनकर अचंभित हो गया कि आपको किसी ने शायद मेरे बारे में कुछ बता रखा है तो आपने मुझे इतना कुछ बताया है। तो वी डोंट नो ईच अदर, हम जानते नहीं थे। तो मैंने उनके कुछ बताए हुए उपाय, कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अपने आप अप्लाई किया, तो देखा कुछ ही दिनों के बाद मैं ठीक होने लगा, मुझे काम मिलने लग गया। तो फिर मेरा एकदम से ना एकदम आपको कभी कभी लगता है ना कुछ सडन ब्रेक आपकी लाइफ में आता है, तो आपको लगता है कि ये ऐसा है तो हमें इसी में क्यों नहीं डूब जाना चाहिए जी। तब से मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखने का प्रण ले लिया। ओके। कॉरपोरेट में तो थे ही सर, सेल्स में थे, मार्केटिंग में थे, जहाँ घुस जाते हैं तो वहाँ पे पूरा का पूरा अपना तन मन लगा देते हैं। तब मैंने इस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर स्टडी नहीं किया सर, रिसर्च किया कि एक बंदा डॉक्टर है तो डॉक्टर क्यों है, एक बंदा आरएएस है तो आरएएस क्यों है, एक यूपीएससी में कलेक्टर है तो क्यों है, यदि कोई बंदा सक्सेस नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, यदि वो बंदा बहुत ज़्यादा सक्सेस है तो क्यों है। मैंने से करीब 10,000 हॉरोस्कोप के ऊपर दिन रात बैठकर मैंने काम किया। आज की डेट में जो हॉरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी है, मेरे ब्लड के अंदर है, और जो उसके उपाय थे सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किए, अपने ऊपर लागू किए। तो मैं आईएएस क्यों नहीं हूँ, और मैं इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप एक आईएएस क्यों नहीं है, एक आरएएस क्यों नहीं। अभी आप मुझे एक एस्ट्रोलॉजी एक हॉरोस्कोप दिखाइए, मैं हॉरोस्कोप देख के बता दूंगा कि आईएएस की कुंडली है कि नहीं है, यदि वो आईएएस की फील्ड में है तो। अच्छा। असल में आईएएस के और बहुत सारी कैटेगरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस ही बन सकता है। एक आईएएस की कुंडली हो और आईएएस हो, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आईएएस हूँ। आप मुझे सिर्फ हॉरोस्कोप दिखाइए, आई विल टेल यू कि आप आईएएस की कुंडली है। अच्छा। yes, मतलब या तो आईएएस या आईएएस के इक्विवेलेंट कई चीजें, में कोई कुछ काम करता है तो मैं बोलिए ये करोड़पति की कुंडली है, या ये रोडपति की कुंडली है, ये अरबपति की कुंडली है, या फिर ये एक नॉर्मल इंसान की कुंडली है। तो ये आपकी कुंडली को देखे मालूम चल जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, फिर मैं इसमें पूरा रम गया, और सबसे पहले ये मैंने अपने नियम अप्लाई किए, जो मैं रोड पर आ गया था, आज मैं एक बिल्डर के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी गंगानगर में 3 टाउनशिप हैं, 3-4 गाड़ियाँ मेरे लिए, एक बढ़िया मैंने विला, एक बंगलो अपने लिए बनाया, तब मुझे लगा। फिर मैंने 100 लोगों पर काम किया, उनको अमीर बनाया, फिर मैं इस प्रोफेशनल में फील्ड में आया हूँ, आज लोगों को करोड़पति बनाने के लिए, अरबपति बनाने के लिए। कितने साल पहले आपने ये शुरू किया? लव सर, करीब करीब 10 साल मेरे को हो गए हैं, लेकिन हाँ। मैं मानता हूँ कि मेरे को टोटली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 20 साल का है। एस्ट्रोलॉजी में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है करीब 10 साल का है। क्या बात है। 20 साल पहले कैंसर हो गया था, ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, फिर किसी ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी से कुछ ठीक हो सकता है, उनका ठीक हुआ, हजारों लोगों की कुंडलियां चेक की और उस साइंस को समझा, वो पहले खुद करोड़पति बने, खुद के ऊपर अप्लाई किया। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे, कई लोग खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करते, उन्होंने खुद के ऊपर अप्लाई किया और इतना सब कुछ वेल्थ अर्न किया, आज बिल्डर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी देते हैं। मैं खुद इनके जयपुर के ऑफिस जाके आया, वहाँ पे कम से कम 100 लोग बैठ के काम कर रहे थे इनकी एप्लीकेशन वगैरह पे और बाकी की सारी चीज़ों पे। एंड देन आई गॉट इम्प्रेस कि मुझे पहला एस्ट्रोलॉजर, वैसे तो बहुत सारे और भी होंगे, शायद मैं उनके संपर्क में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसे लोग मिले जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, अब यहाँ पे मैं 6-7 सवाल लूँगा, है ना, और बुरा ना माने, मैं वो सारे सवाल वो लूँगा जो 90% लोगों का फीलिंग है, थॉट्स है अबाउट एस्ट्रोलॉजी। जैसे सबसे पहला तो ये है, आपने कहा कि आईएएस की कुंडली है तो आईएएस, मैं तो ये समझता हूँ कि भाग्य बदला जा सकता है मेहनत से, क्या ये सही है या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये ठीक नहीं है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि भाग्य बदला जा सकता है मेहनत से। मेहनत के आगे भाग्य काम नहीं करता है, लेकिन या तो फिर आपको इतना मेहनती बनना पड़ेगा कि दिन रात आपने इकट्ठा एक ऐसा कर दीजिए कि आपको ना आप साम दाम दंड भेद आपको इसी के अंदर लगाना है, फिर भाग्य आपके आड़े नहीं आता है। लेकिन यदि कोई चाहता है कि मैं मेहनत भी करूं और भाग्य भी मेरा साथ दे, तो फिर आपको यहाँ पे आना चाहिए। ओके। सो भाग्य अगर मेरा साथ दे, मतलब कुंडली के हिसाब से भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैंने सुना है कि मैं दान करूं, धर्म करूं, पुण्य करूं, पॉजिटिव सोचूं, विजुअलाइजेशन करूं, तो मेरा भाग्य बदलेगा, तो क्या ये सही है या मुझे कुंडली में ही कुछ चेंजेस करने होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि दान करूं, धर्म करूं। 99% लोग हम उस ग्रह का दान कर लेते हैं जो हमारी कुंडली में पैसे वाला ग्रह होता है। 99% लोग हम लोग उस ग्रह के बारे में चीज़ें उस देवता के पास पहुंच ही नहीं पाते जो हमारा लकी देवता है, जो हमारा मित्र देवता है। हम शत्रु देवता के पास चले जाते हैं, शत्रु ग्रह के पास चले जाते हैं। जानने जाने में जैसे अभी एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे घर पे एक फंक्शन है, तो हम फंक्शन में उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो हमारे मित्र हैं जी। लेकिन हमने क्या किया, जानने जाने में जो हमारा मित्र था उसके शत्रु को बुला लिया, तो शत्रु तो हमारा है ही नहीं है, लेकिन अपने अपने मित्र को भी खो दिया।
तो क्या हुआ कि हम जब अकेले पड़ गए, ना तो शत्रु आ रहा है ना मित्र आ रहा है। तो ऐसे ही हम अपनी लाइफ में करते हैं कि जनरली हम उन्हीं ग्रहों के दान कर लेते हैं जो हमारे पैसे वाले भाव में या पैसे वाली राशि में बैठे होते हैं। ओके, 2, 6, 10 ये पैसे वाली राशियां हैं, 3, 7, 11 ये पैसे, ये डिजायर फुलफिलमेंट राशियां हैं, 1, 5, 9 धर्म राशियां हैं और 4, 8, 12 मोक्ष की राशियां हैं। अभी ये 4, 8, 12 ये नंबर सर थोड़ा ये राशियां हैं, 4 नंबर कर्क राशि है, 8 नंबर वृश्चिक राशि है, 12 नंबर मीन राशि है, ये मोक्ष की राशियां हैं। इनमें बैठे हुए ग्रहों का दान किया जाता है, इन भावों में बैठे हुए ग्रहों का दान किया जाता है। जबकि 2, 6, 10 पैसे वाली राशियां हैं, 3, 7, 11 ये राशियां डिजायर फुलफिलमेंट की राशियां हैं कि आपको चाहिए क्या। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हर आदमी की एक डिजायर होगी। मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ डिजायर फुलफिलमेंट के ऊपर, मैं डिजायर मन करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। आप मेरा यूट्यूब पे चैनल आचार्य अलोक भूषण लिखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर के नाम से फेमस हूँ। मैं किसी भी जातक को नेगेटिव बात ही नहीं करता हूँ। नेगेटिव बात है तो वो तो नेगेटिव तो पहले ही है, परेशान तो पहले ही होकर हमारे पास आया हुआ है जी। तो हमें नेगेटिव से उसको पॉजिटिव लेकर जाना है, जैसे जो आप काम कर रहे हैं जी। तो मैं बोलता हूँ, एक जब आदमी एक अच्छा मकान घर बना रहा है, वो आर्किटेक्ट को हायर कर लेता है, वो इंजीनियर को हायर कर लेता है, वो एक अच्छा कारपेंटर हायर करता है, एक अच्छा मैसोन हायर करता है, लेकिन एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को या एस्ट्रोलॉजर को हायर नहीं करता। क्यों? उन्हें लगता है ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ की प्राइमरी हैं। और हो सकता है कभी कभी आपने देखा होगा जैसे आप एक नए घर में गए, कभी कभी तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप नए घर में एंटर करते हो सब चीज़ें आपकी बेकार होने लगती हैं। बट लव सर, यहाँ पे हर दिशा के घर भी मिलते हैं, दुकान भी मिलती है, मकान भी मिलते हैं। 4 दिशाएँ हैं और 4 विदिशाएँ हैं। जब हम नॉर्थ, साउथ, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, इसके साथ में जब उत्तर और दक्षिण मिलती है, पूर्व और नॉर्थ ईस्ट, एक कोना हो गया नॉर्थ ईस्ट का जी, साउथ ईस्ट एक कोना हो गया साउथ ईस्ट, तो 4 के साथ 4 दिशाएं और हैं, 8 दिशाएं हो जाती हैं। और 8 दिशाओं के अंदर एक चौंकाने वाली बात है कि इनको भी मिला के एक जोन बनते हैं जिसे हम 16 जोन कहते हैं। अच्छा, और ये जोन मात्र 22 डिग्री का एक जोन होता है। 360 डिग्री की पृथ्वी है तो 16 जोन में 22 डिग्री का, 22.5 डिग्री का जोन होता है। और एक जोन गलत जोन में बैठने मात्र से जातक के साथ डिजायर फुलफिलमेंट भी हो सकती है और उसका भविष्य भी खराब हो सकता है। मतलब यदि वो मित्र के घर में बैठ जोन में बैठ गया तो कुछ भी कर सकता है, और वो शत्रु के जोन में बैठ गया तो अपने आप को चाहते हुए भी, अच्छी कुंडली होते हुए भी, वह कहीं ना कहीं परेशानियों को अपनी ओर आमंत्रित कर लेता है, जैसा मैंने आपको शत्रु मित्र वाला बताया। अब सर, जैसे आजकल तो फ्लैट कल्चर चल रहा है, और फ्लैट कल्चर में तो हम बिल्डर के पास जाते हैं, कई बार उस कोण के हिसाब से उतना परफेक्ट वास्तु के हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पाती, या उतना परफेक्ट, यू नो, मैं किसी भी डेट को पैदा हो गया, किसी भी टाइम को पैदा हो गया, अब कोई कहता है मेरे पास 4 नंबर का पावर नहीं है, कोई कहता है 8 नंबर का पावर नहीं है, तो ये चीज़ें क्या सच में इतनी ज़्यादा, मैं मतलब कमाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँ या इन चीज़ों पे ध्यान रखूँ सर? देखिए सर, मैं आपको बोलता हूँ कि परफेक्ट आदमी, जो बड़ा आदमी है, वो कोई भी काम खुद नहीं करता, वो परफेक्ट लोगों को हायर करता है और उन्हें बोलता है कि आप अपना काम परफेक्शन से करें। जबकि हम एस्ट्रोलॉजी वास्तु में क्या करता है कि भाई तेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है, चल तू आ जा मेरे घर पे देख ले। यदि हम हल्के में लेंगे हम परेशान होते रहेंगे। आप परफेक्ट लोगों को चुनिए, परफेक्ट लोगों को हायर कीजिए, वो अपना काम परफेक्शन से करेंगे। और जबकि मैं आपको तोड़फोड़ की बात बताऊं, आज की डेट में 99% लोग इसलिए वास्तु का काम नहीं कराते कि उन्हें लगता है कि घर पे तोड़फोड़ होगी। जबकि मॉडर्न वास्तु में और डिजायर फुलफिलमेंट वास्तु में बिना तोड़फोड़ के, बिना एक ईंट हिलाए भी आपका वास्तु संभव है। डिजायर फुलफिलमेंट वास्तु, उसमें कुछ भी तोड़फोड़ संभव नहीं है, सिर्फ कुछ आर्टिकल्स को इधर से उठा के इधर रखना है, ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से आपका ये बात संभव है। तो सर मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आपने कहा कि कुंडली देख के बता सकते हो कि किसकी कुंडली कैसी है, ठीक है। मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है, पहले मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर हम में से किसी का एक रैंडम एग्जाम्पल लेंगे, तो मेरी कुंडली कैसी होगी? देखिए सर, आप एक एंकर हैं, देखा कि आप इतना अच्छा एंकर बोल रहे हैं, तो मैं आज ना यहाँ पे और भी रोते लोगों से बोलूँगा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई और भी है जो बहुत अच्छा एंकरिंग करता है? हाँ, एक कोई भी एक लोग खड़े हो जाइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 या 1 होगा? हाँ बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ। 1 जनवरी 1 आ गया ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में? 8 जनवरी 1 आ गया ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में? ठीक है सर, तो मैं एक ट्रेनर हूँ, प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब मेरी प्रोफाइल में क्या है? आपकी प्रोफाइल में 3 नंबर होना चाहिए, 1 नंबर भी होना चाहिए, और आपके तीसरे भाव जो हमारा एंकरिंग का भाव है, दूसरा भाव जो बोलने का भाव है, स्पीच का भाव है, एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव होते हैं, दूसरा भाव इसमें स्पीच का होता है, बोलने का होता है, और तीसरा भाव हमारे सोशल मीडिया का होता है या ट्रेनिंग, जो हम ये आप ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, ये थर्ड भाव है। इसका रिलेशन
टेंथ हाउस से जो हमारे प्रोफेशन का हाउस से होना चाहिए तभी आप इस प्रोफेशन में आ पाएंगे। अदरवाइज आप आ तो जाएंगे लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दूसरा हाउस हमारे स्पीच का भी है, दूसरा हाउस हमारे धन का भी है। अच्छा। इनका संबंध हमारे प्रोफेशन के हाउस से होना चाहिए। तो दूसरा हाउस जैसे कहते हैं वो कौन सी राशि होती है या क्या होता है? दूसरे हाउस में कौन सी राशि होती है ये डिपेंड करता है आपके बर्थ टाइम पे। अच्छा। आपने कहाँ जन्म लिया, किस समय लिया, तो और कहाँ पे किस स्थान पे लिया, तो उसमें कौन सी राशि होगी ये अलग है, भाव की बात हो रही है। एक्सेलेंट। ओके, तो सर जैसे आपने कहा तीसरे हाउस का कनेक्शन मेरे दसवें हाउस से भी होना चाहिए। जी। ये क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। टेंथ हाउस हमारे प्रोफेशन का हाउस है। जितने भी हम लोग काम करते हैं हम लोग में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे ये हमारा डिसाइड टेंथ भाव करता है। और हम कौन से प्रोफेशन का हाउस कर रहे हैं ये हाउस डिपेंड करता है। जैसे पहला भाव है कि हम साइकेट्रिस्ट हैं या हम सेल्फ ब्रांड हैं। दूसरा हाउस हमारे धन का भाव है, स्पीच का भाव है। तीसरा हाउस हमारे लिए ट्रेनिंग का, डॉक्यूमेंट का, प्रिंटिंग प्रेस का, जर्नलिज्म का। फोर्थ हाउस रियल इस्टेट का, शोरूम का, इस तरीके से। पांचवा भाव क्रिकेट स्पोर्ट्समैन का, फिल्म इंडस्ट्री का। सिक्स हाउस एडवोकेट का, वकील का, कॉम्पिटिटर का। सेवन्थ हाउस शॉर्ट टर्म बिजनेस का, डेली इनकम का, जितने भी स्टोर्स हैं उसमें सेवन्थ हाउस आते हैं। तो ऐसा है क्या कि जैसे थर्ड हाउस अगर मेरा है तो उसमें मैं अच्छा बात करने वाला हूँ आपने कहा, तो उसमें कोई ग्रह, कोई पर्टिकुलर ग्रह का प्रभाव या कोई ऐसा होता है? उसमें एक पर्टिकुलर ग्रह का प्रभाव, जिस ग्रह का प्रभाव होगा तो आप ट्रेनिंग में भी उसी ट्रेनिंग में जाएंगे। अच्छा। जिस ग्रह का वहाँ पे बोलबाला होगा, जिस ग्रह का वहाँ पे जोर होगा, वही आपकी निश होगी। आप ट्रेनिंग के बिजनेस में तो होंगे ही, लेकिन तीन का संबंध दसवें ग्रह के साथ जो मजबूती से संबंध बनाएगा वही आपकी निश होगी। अब सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो एक काम करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी चीज कर लेते हैं। कोई एक इंसान का मैं डेट ऑफ बर्थ लें और उनका टाइम लें, है ना सर, और क्या हम उनके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैं कह रहा हूँ सर, यदि वो इंसान जिसकी मैं डेट ऑफ बर्थ लेंगे बी पॉजिटिव, आपके एस्ट्रोलॉजी में भी हम पॉजिटिवली उसको लें, मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो कौन सी दिशा के घर में रहता होगा। सुनिए हाँ। और सुनिए, उसके घर के आसपास क्या होगा, उसके घर के बाहर कौन सा कलर होगा, उसकी बॉडी में कहाँ कहाँ मार्क होगा, उसके पिताजी के साथ रिलेशन कैसा होगा, उसकी माताजी के साथ रिलेशन कैसा होगा, छोटे भाई के साथ कैसा होगा, बड़े भाई के साथ कैसा होगा, उसकी वाइफ कैसी होगी, उसका हस्बैंड कैसा होगा, उसके रिलेशन कितने रहे होंगे, क्या बात उसके है? कितने अफेयर होंगे और कितने कितने उसके काम होंगे और कितना वो आगे जिंदगी में जा सकता है। ओके, तो इसके लिए सर एक बार प्रैक्टिकल करते हैं इसका। लव सर, वी आर वेरी क्यूरियस, आर वी ऑल क्यूरियस? क्यूरियस। तो लव सर मैं आप बताइए क्या क्या चाहिए हमें? डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट होनी चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आपको आचार्य लव भूषण जी से कनेक्ट करना है तो एनी टाइम एस्ट्रो करके उनकी ऐप है, वैभव की कुंडली लेते हैं सर। वैभव क्या डेट ऑफ बर्थ है? 23/8/1984। समय पता है? हाँ, क्या 10:30 सुबह का? हाँ एग्जैक्ट 10:30 या आसपास कुछ? और प्लेस ऑफ बर्थ? पेन महाराष्ट्र। सर मैं आपको इनकी कुंडली के बारे में बता दूं कि जो इनका पैसे वाला हाउस है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस समय। ये बाय बर्थ में ही होता है सर ये। ठीक है, जैसे मैम का जब मैंने कुंडली देखा था तो इनका पैसे वाला हाउस अच्छा था, वहाँ पे चंद्रमा की राशि, चंद्रमा अपने ही राशि में बैठा हुआ था। तो भाई साहब के जो काम, इनकी वृश्चिक राशि बैठी हुई है और मंगल बैठा और ऊपर से केतु आगे बैठ गया सेकेंड हाउस में। पैसे वाला हाउस थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन जो ये सोचते हैं वो काम इनका हो जाता है। इज दैट मेकिंग सेंस? Yes. जो होता है सोचता है, वो हो जाता है। सोचते हैं वो काम इनका हो जाते हैं। ये लक इनके साथ में है लेकिन पैसा इनके साथ में नहीं। Do you feel you are lucky? Yes, sir. How wonderful. तो और अच्छा चलो, ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। और कभी कभी छोटी सी बात को ये बहुत बड़ा बना लेते हैं, और कभी कभी लगता है कि बात बहुत बड़ी है और बहुत छोटी होती है। इनके घर का डायरेक्शन क्या होगा सर? इनके घर का जो डायरेक्शन है, जहाँ तक इन्होंने दो तीन घर भी चेंज किए हो सकते हैं, लेकिन ये कभी ना कभी वेस्ट डायरेक्शन में पक्का रहे होंगे या अभी रहते होंगे वेस्ट। हाँ वेस्ट। घर के कलर क्या होगा सर? और घर के बाहर में जो कलर होना चाहिए, इन्होंने घर के बाहर में हरा कलर या बाहर बहुत पौधे इन्होंने प्लांट लगा रखे होंगे, और इनको गार्डनिंग का भी खूब शौक होना चाहिए। और घर के बाहर में कुछ चमकता हुआ कलर, ब्राइट रंग की टाइल्स या कुछ कलर भी लगा होना चाहिए। नहीं
कलर पौधे लगे हुए? पौधे का बाजू में ओपन लॉन है, मतलब ऐसा एक जगह पड़ी है उसमें। आपके घर के बाहर में व्हाइट ब्राइटनेस कुछ चीज होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज जो ब्राइट बिल्डिंग को ऐसा ये एवरी कलर टाइप है एवरी है, उसमें कुछ ब्राइटनेस है हल्का सा? नहीं उतना। कुछ चमकता हुआ चीज़ उसमें होनी, ऐसी ब्राइटनेस जिसमें चमक होती हाँ। है ऐसी चीज़ होनी चाहिए। नहीं है तो आप लगा लेंगे। आपके घर के पास में दूध दही पनीर डेयरी की दुकान भी या भी हो सकता है बाजू में थोड़ा दूध का दुकान। 500-700 दूध का दुकान, तो दूध का दुकान भी। और यदि मैं आपकी बात करता हूँ तो घर में आप जब भी डीजे बजाते हैं या कोई खुशी मनाते हैं तब आप समस्या में आ जाते हैं। डीजे जब भी आप डीजे बजाते हैं तब आप समस्या में आ जाते हैं। हाँ, मतलब स्पीकर वगैरह हाँ, स्पीकर वगैरह जब भी बजाते हैं हाँ, उसके बाद समस्या आ जाती है। उसके बाद आपकी समस्या आ जाती है हाँ। इज दैट ट्रू? हाँ, मतलब अभी बोले तो थोड़ा क्लिक हो गया। रियल इट, आप कभी भी चेक कर लेना आप। और आपके लाइफ में देखिए कुछ बातें ऐसे हैं, जब भी हम वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं हम नहीं बोल सकते हैं, बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं ये। सामने वाला के मुंह पे सामने वाले की बात पे बोल देते हैं। अब सर ये बताइए कि इनको पैसा ज़्यादा कमाना है तो क्या कुंडली में कुछ चेंज होके पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि मेरी चीज़ सीख के पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। अब मेरी चीज़ें सारी वो सीख लें लेकिन कुंडली साथ नहीं देखे तो क्या पैसा कमा पाएंगे? देखिए मैं आपको ये कहता हूँ कि फिर भी पैसा कमाते हैं लोग, लेकिन कभी क्या होता है कि एक छोटे से सेम काम के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जी। यदि आप चाहते हैं कि प्रकृति आपका कैसा साथ दे, नेचर आपका कैसा साथ दे, ग्रह आपका कैसा साथ दे, देवी देवता आपका कैसे साथ दें, तो आपको एस्ट्रोलॉजर के या इन चीज़ों के पास जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं खुद करने में सक्षम हूँ और मैं बहुत मेहनत करने में हूँ, तो आपको नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको ये बताता हूँ 99% लोग जो दुनिया में राज करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो पहले से ही ऐसे ग्रह लेकर आए हैं। ओके, वो उनका बर्थ ही दुनिया में राज करने के लिए हुआ है, वो कहीं जाएं या नहीं जाएं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन यदि हमें चाहता है कि हम लोग, हमें नेचर का साथ मिले, हमें प्रकृति का साथ मिले, हमें ग्रहों का साथ मिले, हमें देवी देवताओं का साथ मिले, तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास या वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। ये आचार्य जी, तो अभी जैसे वैभव को ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए जो ज़्यादा पैसा कमाने की 3 राशियाँ और 3 भाव होते हैं, 2, 6, 10, ये 3 पैसा कमाने की राशियाँ, 2, 6, 10 ही पैसा कमाने के भाव हैं। यदि मैं इनके दूसरे भाव को देखूं तो वहाँ पे वृश्चिक राशि के अंदर मंगल बैठा और साथ में केतु बैठा हुआ है। जब भी दो दुश्मन ग्रह किसी भी भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो आदमी को उस भाव से संबंधित परेशानियाँ आती हैं। इनके पास कभी कभी पैसा एकदम से आता भी होगा और जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से भी जाता होगा। इनके ऐसे योग दिख रहा है और कभी कभी इनके ऑपरेशन का भी एक योग दिख रहा है, कभी गले के पास में इनका ऑपरेशन भी ऐसा कुछ, या कमर के नीचे भी इनका ऑपरेशन का योग भी दिख रहा है। एक ऐसा ऑपरेशन का या ऐसा दिखा रहा है, अभी होगा या कब होगा ये दशा पे डिपेंड करेगा। लेकिन यदि उन ग्रहों को मना लेती हैं, ये दूसरे भाव को मना लेते हैं, तो इनके पास इतना पैसा हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकते। ये थोड़ा फास्ट भी बोलते हैं और ये थोड़ा रुक रुक के भी बोलते हैं और ये कुछ वर्ड कुछ खा भी जाते हैं। तो जैसे इनको कौन से ग्रह को मनाना चाहिए और कैसे मना सकते हैं? इनके इनका जो ग्रह है वहाँ मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, तो इनको मंगल को भी मनाना पड़ेगा, इनको केतु को भी मनाना पड़ेगा। अब आचार्य जी ये बताइए कि एक नॉर्मल आदमी जैसे मेरे जैसा इंसान या वैभव जी जैसा इंसान है, उसको क्या मतलब हमें पहले तो यही नहीं समझ में आता कि हम किस पे विश्वास करें एस्ट्रोलॉजी में, नंबर वन। नंबर दो, ग्रहों की भाषा हमें समझ नहीं आती, केतु राहु कौन सा ग्रह क्या करता है, फिर ये भाग भाग भी समझ में नहीं आते। तो हमारे लिए सबसे सिंपलीफाइड मेथड क्या है इसको समझने का? सिंपलीफाइड, आपको एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, आपको उन चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जनरली जो एक आम आदमी है वो फटाफट अपनी कुंडली किसी के पास भी दिखाना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुंडली दिखाना मात्र भी कुंडली को हम इसको कमजोर कर लेते हैं जी। आप अपनी, यदि आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो परफेक्ट लोगों को हायर कीजिए। तो ये कैसे पता चलेगा कौन परफेक्ट है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में? ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि सर 100% एस्ट्रोलॉजर 90% लोग उपाय बताते रहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये समस्या होगी तो ये उपाय कर लीजिए। एक उपाय हो सकता है, किसके राहु आपके कहाँ बैठा हुआ है, आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है। आपको हो सकता है कभी कभी सिर दर्द की प्रॉब्लम है लेकिन उसका कारण आपका पेट हो सकता है। तो हर व्यक्ति के जो उपाय हैं वो उसकी व्यक्तिगत कुंडली को देख के ही बताए जाते हैं, ना कि जनरली। और सोशल मीडिया पर जो भी एस्ट्रोलॉजर इस तरीके के उपाय बताता है तो इस तरीके के मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपको परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर हायर करना चाहिए और उसको एक कोच के रूम में लीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी गए, आपको एस्ट्रोलॉजर मिल गया, उसने आपको कुंडली दिखाई और फिर पूछा और वो काम करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि जानने अनजाने में आप पैसे वाले ग्रह का दान कर दें और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आचार्य जी, यहाँ तो एक और मेरा सवाल ये है कि एक तो
हमें इस चीज़ का, जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ है ना, 3 दिन का हमारा यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, उसकी एक वेन्यू की कोई फ़ीस है, फिर मेरी कोई फ़ीस है, वो ऐड करके हम कहते हैं कि भाई हमारा 20,000 रुपये का ये पैकेज है। अब एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ जो, मतलब यहाँ तो आदमी एक स्किल सीख रहा है कि सेल्स सीख रहा है, और वो सेल्स जाके करेगा तो उसको तुरंत उसका इफ़ेक्ट दिखेगा यहाँ से बाहर जाके बात करने का। जब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं कितना पैसा इसके लिए खर्च करूं, और हर एस्ट्रोलॉजर का प्राइस भी एक अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन टाइम। और दूसरी चीज़, मतलब उसमें मुझे, मैंने हो सकता है रेमेडी कर ली, कोई पिरामिड लगा लिया, कोई और चीज़ कर ली, कुछ चीज़ें कर ली, लेकिन मुझे खुद मेरे अंदर क्या बदलाव आया ये इमीडिएट पता नहीं लगता है। तो इसलिए डरते हैं हम लोग कि जाएं कि नहीं जाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भूपेंद्र सिंह जी, आपसे मैं उम्मीद कर रहा था, मैं यहाँ पे लोगों से बैठे से भी उम्मीद कर रहा कि ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आए तो मैं ट्रांसफ़र करूँ। मैं आपको ये बात बताऊँ, यदि कोई ऐसा, ये जो काम है ये ओपीडी की तरह नहीं होता है। जैसे आप किसी के पास गए, उसके पास एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और वो 50 कुंडियाँ रोज की देख रहा है, तो हो सकता है कि आपने उसे फटाफट देखा और आपको फटाफट उपाय बता दिया जी। ये एक स्टडी है, रिसर्च है, जिसमें आपका जैसे ब्लड टेस्ट या सीटी स्कैन एमआरआई आप करवाते हैं, तो उसी तरह आपकी रिपोर्ट्स पे भी इसकी कुंडली बनती है। इसमें 60 से 70 पेज की मैं एक अपने हाथ से कुंडली बनाता हूँ, जो इंडिया में कोई नहीं बनाता है। ये मेरा दावा है कि ऐसी कुंडली इंडिया में आपको मिल जाए तो जो मेरी फ़ीस है, मैं आपको किसी से फ़ीस नहीं लूँगा। मैं उसके अंदर पूरी रिपोर्ट उसकी बनाता हूँ कि वो जन्म से लेकर अब तक उसके कौन से ग्रह हैं, वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, और डीपली मैं आपकी भी आज मैं कुंडली बना कर लेके आऊँ, लेकिन प्रिंट उसका नहीं लेकर मिला मुझे, मैं आपको भी मैं व्हाट्सअप करूँगा। और मैं वो कुंडली उसको जस्ट व्हाट्सअप नहीं करता हूँ, उसके साथ आधे घंटे से लेकर एक घंटा लेकर उसके साथ 1-to-1 पेज पढ़ता हूँ और उसे मैच करता हूँ कि चीज़ें आपके साथ मैच हो रही हैं क्या, नहीं हो रही हैं, और फिर उसको बताता हूँ कि ये चीज़ें हो रही हैं, इस कारण से हो रही हैं, और ये चीज़ें आप ऐसा करते हैं हो सकता है आपके साथ चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाए। तो जब आप ऐसा करते हैं और ऐसे एस्ट्रोलॉजर के साथ बात करते हैं, तो ही आपको ऐसा हो सकता है कि आपको एक परमानेंट उपाय मिले। लेकिन हो सकता है कि यदि आप जल्दी जल्दी में आप भी हैं और जल्दी जल्दी में एस्ट्रोलॉजर भी है, तो आपको 2 दिन के लिए तो चीज़ मिल जाए, उसके पीछे स्थिति वापस की वापस वैसे ही हो जाए। और आज की बात देखो, JP Morgan ने एक अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अरब करोड़पति लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास ना करें, लेकिन अरबपति लोग एस्ट्रोलॉजी पर पक्का विश्वास करते हैं। आप ही JP Morgan की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। सर ये बताइए, अमिताभ बच्चन जी है ना, दुनिया के सबसे जाने माने एक्टर्स में से, फिल्म स्टार्स में से एक हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। वो ऊपर गए, ABCL करके उन्होंने बिजनेस खोला, एकदम धराशायी हो गए, फिर वो कहीं से वापस उठे, एक्टिंग के लिए कर रहे हैं आज तक, और वापस से स्टारडम पे चले गए। तो आपके हिसाब से उनकी ऐसी कौन सी दशाएं होगी, या किस तरह का, मतलब, और कौन सी चीज़ से हम लोग बचें जिससे कि हम उस तरह की उथल पुथल से ना जाएं, या उतनी ज़्यादा ऊंचाई के स्टारडम से। कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो सब लोग कर सकें हम, जिससे कि हमारी सबकी ग्रोथ हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबको करनी चाहिए, और कुछ चीज़ों के बारे में हमें सोच कर करना चाहिए। जैसे सूर्य को जल है, सभी लोग दे सकते हैं, मंदिर है, हम सब लोग जाएँ। माता जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे पास सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य हमारे पिताजी हैं, चंद्रमा हमारी माता जी हैं, केतु हमारे जो बच्चे हैं वो केतु हैं, मामा जी हमारे राहु दादाजी भी हैं, मामा जी भी हैं, केतु मुसाफिर भी हैं। जैसे जो घर पे कई लोग आते हैं ना कुछ मांगने के लिए आते हैं, वो केतु हैं। शुक्र वाइफ है, जब वाइफ को खुश रखते हैं तो आपके पैसा आएगा। मंगल आपके पति हैं, जब हस्बैंड को खुश रखते हैं तो आपके पास पैसा आएगा। बुध आपकी सिस्टर, बहन, बुआ हैं, आप उनको खुश रखते हैं तो खुश आएगा। दोस्त राहु हैं, डिजिटल मोबाइल सोशल मीडिया ये राहु है, तो ये सब कुछ एक डिफाइन है। एक एक पौधा, एक एक रंग, ये कलर लाल रंग का मंगल है, वाइट रंग का चंद्रमा है, ये लाइट लगी हुई है, ये शुक्र है, हम यहाँ पर स्टेज पर बैठे हैं, ये फंक्शन कर रहे हैं, ये राहु है। तो ये सब कुछ किसी ना किसी प्लैनेट से, एक तार का टुकड़ा, तार है, ये केबल है, ये केतु है, आपके जो माइक लगा हुआ ये राहु है, आपके जो ये चेक की आपने कोड डाला हुआ ये केतु का कपड़ा है, केतु का डिजाइन है। एक एक चीज़, ये फ्लावर है तो ये शुक्र का है, हरा रंग है तो ये बुध का है, कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कैच की चेक की शर्ट पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, लाइनदार शर्ट पहननी चाहिए, मैं कौन से कपड़े पहनूं कि मैं ज़्यादा सफल हो जाऊं। तो ये आपके, जब मैं आपके साथ 1-to-1 एक सेशन करूंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। यदि आपका केतु अच्छा बैठा हुआ है तो आप चेक वाली शर्टें पहनी, यदि आपका केतु अच्छा नहीं बैठा हुआ तो आपको चेक वाली शर्टें नहीं पहननी चाहिए। तो एक छोटी सा उपाय हो सकता है आपको ज़िंदगी बदल दे। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ 12 भाव होते हैं, 12 भावों में 11 भाव मेहनत के होते हैं और एक भाव डिजायर फुलफिलमेंट का होता है।
इच्छा पूर्ति का होता है कि हम काम करें और हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, तो वो भाव 11 नंबर होता है। मैं इच्छा पूर्ति पे काम करता हूँ। दुनिया में आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इच्छा पूर्ति का शब्द यूज नहीं किया है। तो मैं आज करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजायर फुलफिलमेंट में काम करता हूँ। ये दो प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएं, आपको कहीं जाने की। तो मैं आचार्य जी से पूछूंगा, मेरी इच्छा है मुझे एटलीस्ट एक राष्ट्रपति अवार्ड मिले। तो अब मुझे एक ऐसे ही जस्ट एक जनरल, क्योंकि ना इतने सारे लोग चाहते हैं कि मुझे अवार्ड मिले, चाहते हो ना आप लोग? तो मेरी ये इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं क्या करूं सर? वाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो बीएसएफ सर के लिए ताड़ियां होनी चाहिए जो थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आज आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, मजा आ गया। आपने सबने सुना होगा ना, विजन बोर्ड बनाना है आपको। हाँ, आपका एक विजन बोर्ड बनाना है कि मुझे राष्ट्रपति साहब के साथ एक अवार्ड मिले जी। अब एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या मदद करती है? एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि वो विजन बोर्ड आपको टांगना कहाँ पे है। अच्छा, आपको कौन सी दिशा में टांगना है। यदि आपने उसको ऐसी दिशा में टांग दिया, लगा दिया जो आपकी नुकसान की दिशा है, तो राष्ट्रपति को छोड़ो, आपको हो सकता है राष्ट्रपति से सम्मान आ जाए। तो राष्ट्रपति की फ़ोटो तो लगाई दी ना आपने, और ऐसे जोन में लगा दी जहाँ पे नुकसान का जोन है, और उसी राष्ट्रपति की फ़ोटो को आपने एक ऐसे डिजायर फुलफिलमेंट के जोन में लगा दिया, तो सर ये सर्कमस्टांसिस आपके लिए वो देवता बनाएगा जो डिजायर फुलफिलमेंट का काम करता है। आपने कोई सुना हुआ ना कि बोल मेरे आका तेरे को क्या चाहिए जिन। एक ऐसा जिन आप सभी के पास है, और एक ऐसा जिन मेरे पास भी है, एक ऐसा जिन आपके पास भी है, और आप जानना चाहते हैं कि वो जिन कैसा है, कौन है। हर व्यक्ति का, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सब व्यक्ति का जिन अलग अलग है और सभी के पास है। सब ऊपर भगवान ने ये कहकर भेजा हुआ है कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे को दूंगा। ऐसा देवता की ड्यूटी अपने सभी ने ऊपर लगाई हुई है। ये आपको जानना ही है, बस ये उसी से मांगना है, और फोटो वहाँ पे लगा देनी है, और आपको वहाँ पे बैठकर मेडिटेशन करना है, विजुलाइजेशन करना है, बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। पावर ऑफ विजुलाइजेशन, जैसे आपने सुना होगा ना, मेरे साथ आपको तो मिरेकल देखनी है। मेरे साथ तो मिरेकल होते हैं आचार्य जी। मिरेकल होते नहीं होते, तो हो सकता है आप उसी दिशा में सो रहे हो जो आपकी डियर फुलफिलमेंट की। इतना ही काम कर लें तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो और मतलब सोने की दिशा चेंज करने से भी जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। और मैं लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आपकी सोने की दिशा चेंज नहीं होती, तो एक अपने हम वहाँ पे अपनी फोटो लगा सकते हैं, अब अपना वहाँ पे स्वरूप लगा सकते हैं, हम वहाँ पे जाकर बैठ सकते हैं एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए मैक्सिमम टाइम लगा सकते हैं, वहाँ पे अपना विजन बोर्ड लगा सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे वहाँ पे उस चीज जो देवता का आर्टिकल है वो लगा सकते हैं, उस देवता की फोटो लगा सकते हैं, उस देवता का पौधा घर पे लगा सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं। और जाने अनजाने में क्या होता है, जामुन का पौधा है साहब, जामुन किसी को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ये बोला कि आपको जामुन नहीं खाना है, क्योंकि जामुन आपका फेवरेट प्लांट है, ये आपका देवता का प्लांट है। और हम लोग जामुन खाते हैं, हम लोग अमरूद खा रहे हैं, हम लोग वाटरमेलन खा रहे हैं। तो अच्छा, मतलब कौन सा फ्रूट मुझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपके वो उसका देवता है, उस देवता का फ्रूट है, उसकी आपको पूजा करनी है, जिसकी आपको पूजा करनी है, जिसको आपको मनाना है, उसको आपको खाना नहीं है। तो मतलब ये पता लग जाता है कि मेरा कौन सा देवता है, मेरे फेवर का कौन सा। ये तो बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई की। मैं बिल्कुल रोडपति था, मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ। लव पुष्ण के नाम से आप आचार्य लव पुष्ण के नाम से आप गूगल पे सर्च कीजिए, गंगानगर में आपको कोई जानकार हो तो पता कीजिए, मेरे बाल ये सफ़ेद हैं, ये कलर किए हुए हैं, मेरे को कैंसर था, मैं टाटा हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, यहाँ पे 3 मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं साहब, और मेरे को लोग ये कहने लगे थे कि अब बचेगा नहीं और ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, और आज आपके सामने बैठा हूँ। और मेरा ये सपना था कि मैं ऐसे स्टेज पर घूमूँ, ऐसा विजन बोर्ड मैंने घर पे लगा रखा है जी, और उसमें से आज 90% चीज़ें, मैं हर साल विजन बोर्ड चेंज करता हूँ और एक साल के अंदर वो विजन बोर्ड मेरा कंप्लीट हो जाता है। ग्रेट, तो दोस्तों गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दोस्तों ये है आचार्य लव भूषण जी, जहाँ पे देखिए मैं एक ही चीज़ से कहता हूँ कि हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की पढ़ाई की है, जैसे मैंने पढ़ाई की है कि कैसे किसी को पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जा सके, सेल्स सिखाया जा सके, आचार्य जी ने किसी और तरह से एस्ट्रोलॉजी की पूरी डिटेल में स्टडी की है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे और एस्ट्रोलॉजी की तरफ आए, वो पंडित नहीं है अपने जन्म से, अपने कर्म से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी को चुना, या शायद एस्ट्रोलॉजी ने उन्हें चुना। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस विद्या में जो इंसान पारंगत है उसकी बात को सुने समझें, आपको जितनी अच्छी लगे उतनी लें, जितनी अच्छी नहीं लगे वो आपकी खुद की चॉइस है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखनी तो इट्स ओके, और आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो भी इट इज़ ओके, बट मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, कभी कभी थोड़ी सी नई चीज़ें ट्राई करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो करते आए हैं वो ही करते रहे तो वो ही मिलता आएगा जो मिलता आया है। मैं पब्लिक के पास 2 या 3 सवाल पूछने के लिए आचार्य जी से लेके जाता हूँ। नमस्कार सर,
नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनका टाइम, उनका लैटिट्यूड, जन्म का सब कुछ सेम होता है जी, तो कुंडली भी सेम ही बनती है, ऑलमोस्ट। सो व्हाई फेट इज डिफरेंट। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। देखो ऐसे क्वेश्चन कोई आए दो तीन और तो मजा आएगा सब। हाँ हाँ हाँ, ठीक मजा है आएगा। ऐसे क्वेश्चन कोई हो ना, ऐसे लॉजिक के क्वेश्चन हो तो मजा आएगा। जनरली क्वेश्चन तो हम वैसे पूछते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, आपके लिए और दुनिया के लिए, और ये यूट्यूब पे प्रोग्राम चल रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि आज की जो एस्ट्रोलॉजी है वो सेकेंड पे नहीं, माइक्रो सेकेंड पे होती है। सेकेंड पे नहीं दोस्तों, माइक्रो सेकेंड पे होती है। एक सेकेंड में चार बच्चे पैदा होते हैं। आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी माइक्रो सेकेंड की कुंडली बनाऊंगा। कि अभी सर मैंने आपको बताया था ना, आपका बड़ा टाइम सही टाइम क्या है कि सर ने बताया कि मेरा 7:05 है, तो सर की मैंने पूरी डिटेल ली, तो मैंने बोला कि सर आपका जन्म 7:04:58.12 हुआ है, जिस दिन आपकी अकेले का जन्म हुआ है पूरे वर्ल्ड में। आप जुड़वा बच्चे की बात करते हैं, कोई भी जुड़वा बच्चे पैदा होंगे तो 2 मिनट का फर्क होगा, आधे घंटे का तो होगा ही होगा, 2 मिनट से कम हो ही नहीं सकता है, 2 मिनट का हो गई होगा। तो उसमें D1 कुंडली बनती है और D60 कुंडली बनती है। दोनों का भाग्य अलग अलग होगा, दोनों का लक अलग अलग होगा। और ये 2 मिनट की कुंडली है सर, मैं आप मेरे पास आइए, मैं आपको 1 सेकंड का माइक्रो सेकंड की कुंडली बना के दूंगा, जिसमें आपका अकेले का ही जन्म होगा पूरे वर्ल्ड में। ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में आ चुकी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगेन भाई साहब के लिए तालियां होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में है, इसमें हम आपके आपके फादर का नाम, फादर का डेट ऑफ बर्थ, आपकी पूरी फैमिली की डिटेल लेते हैं, उसके एक योग पूरे बनाते हैं। उसके जब पूरे योग बना के आपके शादी कब हुई, आपके बच्चा कब हुआ, सेकंड बच्चा कब हुआ, आपके फादर साहब हैं या नहीं हैं, दादाजी हैं या नहीं हैं, दादी जी हैं या नहीं हैं, मतलब कि पूरी फैमिली का एक हिस्ट्री ली जाती है, पूरी फैमिली का एक चार्ट बनाया जाता है। आपकी वाइफ के नक्षत्र कौन सा है, आपके फादर का नक्षत्र कौन सा है, आपके बच्चे का नक्षत्र कौन सा है, ये करके पूरी की पूरी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई की जाती है। इसको फिर सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, फिर आपके साथ में ये चीज़ें निकाली जाती हैं। इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी है और इसकी सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन भी है, तो ये इस तरीके से निकाला जाता है सर। आचार्य जी एक सवाल मेरा, यू नो भारत में हम कहते हैं शादी करनी है तो कुंडली मिला के करो, अमेरिका में कहते हैं इससे पसंद आ गई इससे शादी कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं मिलाते, जापान वाले भी नहीं मिलाते, तो क्या बाकी सब लोगों के ऊपर एस्ट्रोलॉजी अप्लाई नहीं होती और भारत पे ज्यादा अप्लाई होती है? पूरे वर्ल्ड में एस्ट्रोलॉजी अप्लाई होती है। मैं आपको बताऊं, जो टैरो कार्ड की जो ये टैरो कार्ड है ना, जो ये हमारा नहीं है, ये यूएसए का है और ये एस्ट्रोलॉजी बेस है, और ये जो मैथ साइंस है ये पूरी की पूरी इंडिया की है। इनको इन्होंने इनको इजी करके इसको टैरो कार्ड में बदल दिया। जो फेंग शुई है ये चाइना का है। अपने से ज़्यादा एस्ट्रो वास्तु चाइना में फॉलो होता है। यहाँ पे सरकार को कोई सरकार बिल पास नहीं करती ना वास्तु के लिए, चाइना में पहले बिल पास किया जाता है कि इसका पहले वास्तु हो जाए, उसका वास्तु एक्सपर्ट हायर किया जाता है और फिर उस ऑफिस में जाया जाता है। हांगकांग पूरा का पूरा वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, सिंगापुर पूरा का पूरा वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, जापान में वास्तु को फॉलो किया जाता है। जितने आप देखो जापान के बाहर झंडे लगे होते हैं या चीज़ें लगी होती हैं, इंडोनेशिया जहाँ भारत से ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो ये पूरा एस्ट्रोलॉजी ये वास्तु सब जगह लागू होता है और ये लागू होगा। लोगों को इसको मानना पड़ेगा। आज भारत आध्यात्मिक गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में फैल रहा है, तो लोगों को इसको समझना होगा, इसको फॉलो करना होगा। ये आप आने वाले कुछ टाइम में देखेंगे। वो कह रहे हैं गांव में डेट ऑफ बर्थ का पता, उसका भी मैं बताता हूँ। उसमें यदि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम आपसे एक नंबर लेते हैं 1 से लेके 2193 के बीच में, आपको एक नंबर बताना होगा, उसके हिसाब से आप मुझे नंबर जब बताएंगे तो आपके एग्जैक्ट मेरे पास कुछ सितारे ग्रह आ जाएंगे, फिर मैं कुछ चीज़ों का आपसे मैच करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आप मुझे येस और नो में रिप्लाई करेंगे। यदि वो नंबर सही होगा तो हम उसी से प्रेडिक्शन देंगे, नहीं सही होगा तो एक नंबर दोबारा लेंगे, तो हम उससे प्रेडिक्शन देंगे। इसके बहुत ऐसा नहीं है, इसके सारे और भी बहुत सारे रस्ते हैं। सन साइन को ज्यादा, सन साइन कुछ नहीं होता है, मून साइन ही होता है। तो बात तो होती है सर सन साइन के ऊपर। सन एक्चुअली में क्या है, तीन प्रकार के लगन होते हैं, कि सूर्य आपका कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, और D1 लगन क्या है। D1 क्या है, हमारी बॉडी है, चंद्रमा हमारा मन है, और सन क्या है, हमारी आत्मा है, जिसे कहते हैं बॉडी माइंड एंड सोल। तो ये बॉडी माइंड और जो सोल बनते हैं, तीन तरीके की कुंडलियाँ बनती हैं, D1 सूर्य कुंडली और चंद्रमा कुंडली। जो प्रेडिक्शन होती है वो चंद्रमा कुंडली को देखे किया जाती है। सूर्य कुंडली से सिर्फ हम ये देखते हैं कि आपका मान सम्मान कितना होगा, आपकी बॉडी कैसी होगी, इम्यूनिटी कैसी होगी, गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, पिताजी के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, हार्ट की समस्या तो नहीं होगी, ये सब सूर्य कुंडली से देखा जाता है। ओके। हाँ गुरुदेव हरिओम, BL प्रजापति रतलाम से। मेरा एक क्वेश्चन था कि किसी का डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म है,
समय भी कन्फर्म है और वो लड़का अच्छा प्रोग्रेस कर रहा, लेकिन अगर मान लिया जाए 50-60 लड़के अपन अच्छे परिवार के दिखा दी सब कुछ है, फिर भी लड़का फाइनल डिसीजन क्यों नहीं ले पाता है? उसके पास गाड़ी है, 28-28 ईयर है, वरना गाड़ी है, दो मकान है, एक इंदौर में एक रतलाम में, फिर भी वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा? और एक मिनट, ज्योतिष के पास मैं 3 ज्योतिष के पास गया हूँ, एक को 25,000 फीस दिया हूँ, एक को मैं 11,000 दिया हूँ, हीरा पन्ना सब पहना के दिखवा लिया। यस देखिए सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक नाबालिग कुंडली होती है, इसे बोलते हैं नाबालिग कुंडली, अनमेच्योर कुंडली। आपने सुना होगा ना, कोई बंदा 50 साल का भी हो जाता है उसके बाद भी उसका दिमाग बालिग नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता। अपने कभी कभी किसी को बोलते हैं ना कि तू कैसा आदमी, तू तेरा दिमाग अभी बच्चों का है, इसे नाबालिग कुंडली कहते हैं। अभी तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये वर्ड यूज किया? नाबालिग कुंडली बस। तो उसमें नाबालिग कुंडली के योग हो सकते हैं, आप लाइए। आज के आपको मैं अपने बारे में एक और बताता हूँ, मेरे आप यूट्यूब में कहीं भी देखेंगे तो मैं लिखता हूँ एस्ट्रोलॉजी एंड शेयर। अब आपके आज के बाद आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। और आपको लगता है कि मेरे से मिलने के बाद भी आपकी ये सर्च जारी है तो मैं आपको अपने आपके पैसे भी दूंगा और आपकी सर्विस भी देता रहूंगा, आप चाहेंगे तो बिना किसी पैसे के। हाउ वर यू? एक लास्ट क्वेश्चन है, अनकॉमन क्वेश्चन है। आपने किसी की कुंडली देखी? जी। ठीक है, आपने उनको उपाय बताया कि आप काल से विधि करवा दीजिए त्र्यंबकेश्वर में जाके। बाद में जब पता चलता है तो वो या तो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, तो क्या करूं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी का किसी भी धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पहले आप चाहे सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप चाहे मुस्लिम हैं, आप चाहे हिंदू हैं, ये सब पर लागू होती है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि इसका, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इसको आप सीजनली मान लीजिए, कैसे मान लीजिए, लेकिन ये लिखी गई हिंदू ऋषियों के द्वारा है। ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि जो हमारे ऋषि हैं, पाराशर जी हैं, केपी जी हैं, कृष्णमूर्ति जी हैं, ये उनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये किसी भी धर्म पे लागू नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको यही करना होगा, उसमें 1,000 उपाय लिखे गए हैं। आप उसकी उन देवता की पूजा किए बिना भी पूजा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मंगल, सभी लोग मानते हैं कि मंगल हनुमान जी का प्रतीक है। मैं बताता हूँ कि सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी भी मंगल धर्म के प्रतीक हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? जो गुरु गोविंद सिंह जी में वो सब गुण थे जो हनुमान जी में थे। क्या मेरी बात गलत है कि सही है? करेक्ट। तो ऐसा नहीं है, हर धर्म में वो आदमी है, हमारे गुरु हैं जो बैठे हुए हैं, हम उनको मनाकर भी हम चीज़ों को लिखते हैं। जो गुरु नानक देव जी थे वो भगवान राम के प्रतीक थे, वो वैसे ही सॉफ्ट थे जैसे भगवान श्री राम थे। तो हम, ऐसा नहीं है, हर धर्म में है, ईसाई में भी है, सिख में भी है। कहीं किसी को पूजा, मैं तो कहता हूँ कि पूजा या नग पहनना बहुत जरूरी नहीं है, उनके बिना भी उसके हल हैं, लेकिन आप चाहें तो करवा सकते हैं, वो एक ऑप्शन है, उसके बिना भी उसके हल। तो ये जो कई पुजारी पंडित बोलते हैं कर्मकांड के ऊपर जोड़ देते हैं और कोई रेमेडी के ऊपर जोड़ देता है, तो हम कर्मकांड करें या रेमेडी करें? आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप देवताओं से भी अपने समस्या को हल निकलवा सकते हैं, आप दानवों से भी करवा सकते हैं। आज का जो कलयुग है, ये राहु, जो राहु देवता है ना, राहु रावण, उसके द्वारा गवर्न किया जा रहा है। देखो ना, सब कुछ काला ही काला हो रहा है, सबको काला ही काला चाहिए, किसी को हरा लाल पीला चाहिए क्या? सबको नाइट में काम करना है, दिन में किसी को काम नहीं करना है, सबको मोबाइल चाहिए, ये सब राहु है। और अब मैं आपको बताऊं, तीनों युगों से सबसे ज़्यादा बढ़िया राहु कलयुग है। यहाँ पे लोगों की इच्छाएं पूर्ति उन तीनों युगों से जल्दी होती है। आपने देखा होगा ना, इतनी ग्रोथ क्या तीनों युगों में थी क्या, जितनी ग्रोथ कलयुग में है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये युग राहु का है, ये युग कलयुग का है। यहाँ पे जो ये देवताओं का नहीं, ये दानवों का युग है। यहाँ पे दानवों को थोड़ा सा मना लो, वो फटाफट खुश हो जाते हैं और आपको बोलते हैं तथास्तु। क्या बात है। आई एम श्योर आप में से हर एक इंसान को ये इंटरव्यू बड़ा पसंद आया होगा। आई नो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए समझना इतना आसान भी नहीं है जितना सहजता से आचार्य जी समझा रहे हैं। बट अगर आप भी आचार्य जी से जुड़ना चाहें तो इस वीडियो के नीचे आप उनकी एप्लीकेशन, उनके फ़ोन नंबर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह ले सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपको ये, जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि ही इज वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर एस्ट्रोलॉजी नीड्स, तो आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। आचार्य जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में पधारे एंड बहुत सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर की, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्या पता किसी का भला हो जाए। और अगर आप चाहें तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लेना है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।